राम पुरुषोत्तम नर हरे नारायण के शिवा गोविंद गरुड़ ध्वज गुण निधे दामोदरा माधवा। हे कृष्णा कमलापते युधपते सीतापते श्रीपते वैकुंठाधिपते चराचरपते लक्ष्मीपते पाहि माम लक्ष्मीपते पाहि माम। ओम नमस्कार, एसटीयू में आपका स्वागत है। मैं हूं आचार्य आशीष डिंगवाल और आज हम बात करेंगे मासिक राशि फल की। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले खास अपील है आपसे कि अभी तक अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें और अपने मित्रों को शेयर भी करें। तो आइए बात करते हैं मासिक राशि फल की। महीने की जो शुरुआत हो रही है वो हो रही है मीन लगन से, जिसमें कि चंद्रमा है उच्च राशि का और इसका जो प्रभाव है कुंडली के अंदर, क्योंकि चंद्रमा उच्च का है, मन का कारागृह उच्च का है, तो मन का कारागृह अगर उच्च का है तो उसका प्रभाव आपकी जनरली सभी राशियों वालों के ऊपर काफ़ी शुभ पड़ने वाला है। राशि अनुसार ये महीना आपके लिए कैसा रहने वाला है, ग्रहों का क्या प्रभाव आपके ऊपर रहने वाला है, इसकी चर्चा हम इस वीडियो में करेंगे। वृषभ राशि। वृषभ राशि जातकों के लिए यह मंथ बहुत ही शुभ जाने वाला है, क्योंकि चंद्रमा जो मन का कारागृह है आपकी राशि में ही विराजमान है। चंद्रमा की स्थिति को देखते हुए देखा जाए तो शारीरिक रूप से तो आपको बहुत ही शुभ रहेगा। स्वास्थ्य समस्याएं जो चल रही थी आपकी वो आपकी समाप्त होंगी इस समय पे। तथा अगर हम इसे करियर के पॉइंट से देखते हैं तो करियर का स्वामी भी आपकी पत्रिका में शनिदेव बनते हैं और शनि जो पत्रिका में है वो अष्टम भाव में है, दृष्टिगोचर अपनी राशि पर देख रहे हैं, इसलिए करियर के हिसाब से जो भी आप मेहनत करेंगे उसका फल आपको अच्छा प्राप्त होगा, पर मेहनत बहुत ज़्यादा करनी होगी इसमें आपको। इसके साथ में है फाइनेंस का। धन की अगर बात की जाए पत्रिका के अंदर तो धन का मालिक कुंडली के अंदर बुध, जो कि पत्रिका में इस समय जो रहेगा वो रहेगा नीच राशि के मंगल के साथ में, तो ये थोड़ा सा आपके लिए धन की अगर योग की बात की जाए तो थोड़ा सा इसमें जो है धन के लिए प्रयास ज़्यादा करने होंगे आपको और मिलेगा ज़रूर। जो कि विशेषकर देखा जाए जो अगर आपके छोटे भाई बहन हैं अगर उनसे कुछ हेल्प लेना चाहते हैं तो आपको अच्छी सहायता अपने भाई बहनों से ज़रूर प्राप्त हो सकती है। इसके साथ में है आपके प्रेम संबंधों के लिए। प्रेम कारागृह कुंडली के अंदर मंगल बना हुआ है और मंगल की जो कंडीशन है पत्रिका में वह है नीच राशि का, इसलिए अपने प्यार के मामले में प्रेम के मामले में काफ़ी सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि इस समय पर जो है दाम्पत्य जीवन प्रेम संबंधों के अंदर थोड़ा नेगेटिविटी थोड़ा ज़्यादा रह सकती है, क्योंकि मित्र का घर जो कुंडली के अंदर है आपका वह है सूर्य। सूर्य की स्थिति जो कुंडली के अंदर बनी हुई है वो भी जो है राहु के साथ में जो गोचर का चल रहा है वो थोड़ा आपको परेशान कर सकता है इसमें, तो आपको अपने मित्र से साथ में जो है अपने जो है प्रेम संबंधों से थोड़ा सा इसमें समस्या उत्पन्न हो सकती है। इसके साथ में जो है मैरिज के लिए, अभी अगर कोई भी जो है आपके लिए कोई रिश्ता आया हुआ है और आप रिश्ता देख रहे हैं तो थोड़ा वहाँ पर भी सावधानी बरतने, हो सके तो थोड़ा सा चीज़ों को होल्ड करके चलें, जितना आगे लेके जाएंगे उतना आपके लिए अच्छा रहने वाला है। दर्शकों, यह राशिफल सामान्य ज्योतिषीय आकलन के द्वारा बनाया गया है, हो सकता है यह आपकी कुंडली से भिन्न हो। आपकी कुंडली के अनुसार यह माह आपके लिए कैसा रहेगा, प्रेम के लिए, विवाह के लिए, करियर के लिए और आपके फाइनेंस के लिए क्या कहती है आपकी कुंडली, इस बारे में अधिक जानकारी के लिए आप मुझसे एस्ट्रोयोगी पर जाकर परामर्श ले सकते हैं। मुझसे परामर्श लेने के लिए स्क्रीन पर दिखाए गए नंबर पर कॉल करें या नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें।